हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सैफ ट्रेड्स। और अभी हम यहां देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड हुआ है और कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, उसके लिए हम लोग अभी इसमें एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो जैसा ये कल मैंने बताया था कि कल हमारा यहाँ पे लेवल्स था, निफ्टी का ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल था एंड यहाँ पे निफ्टी में सेलिंग का रेजिस्टेंस था। तो जैसे ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही प्राइस निफ्टी का फ्राइडे का जो है क्लोजिंग कैंडल उसके नीचे निकलेगा, देन हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा करके यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और प्राइस ने आज वैसे ही किया है, बहुत ही अच्छा सेटअप था, इसमें बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ है इसमें। और दूसरी बात ये रही कि आज निफ्टी में और क्या क्या हुआ है, तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और अभी निफ्टी में एज ए काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो जैसे ही निफ्टी ये सारे लेवल्स को ब्रेक देता है, देन हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा वो ये गैप फिलिंग का रहेगा, एंड जब प्राइस इस लेवल की ऊपर निकलेगा देन हमारा टारगेट ये हाई रहेगा। और हम लोग कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, वेट करेंगे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। और अगर प्राइस सेलिंग की तरफ देखना है, देन हम लोगों को ये जो लेवल है 18,600 का, इसको निफ्टी को ब्रेक करना होगा, देन हम लोग सेलिंग साइड का देख सकते हैं सेल के लिए। और गैप अप अगर ओपन हो जाता है, देन हम लोग प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्ट पे। एंड एज यूजुअल हमारा ये जो कैंडल है ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी आज कैसे वर्क हुआ है निफ्टी में और हम लोग कल इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। काफी इजी है आज के लिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्लियर 15 मिनट पे दिख रहा है। और एक चीज आप देखिएगा तो 15 मिनट पे निफ्टी में 200 EMA था और वहां से बहुत ही अच्छा बाइंग आया है। और एक चीज देखिए आप लोग कि निफ्टी जब यहां से ऊपर गया तो फर्स्ट यहां एंड सेकंड टाइम यहां भी सेकंड टाइम ही 200 EMA पाया, तो इसको बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट कर सकता है और ये ऊपर जा सकता है। तो ये निफ्टी का हो गया, लेकिन ये लेवल का आप लोगों को ध्यान रखना है, लेवल टू लेवल हम लोगों को वर्क करना है। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखिएगा, रिस्क के हिसाब से। तो चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने की बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी का जो हमारा कल का एनालिसिस था और कल का जो हमने लेवल लगाया था वो देखिए कितना अच्छा सा रिस्पेक्ट हुआ है। और हमारा जो इसमें कल एनालिसिस था वो था ये कि अगर प्राइस सेलिंग साइड जाता है देन ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसके नीचे निकलता देन हम लोग सेल करेंगे। सेलिंग तो यहाँ पर आया है नो डाउट, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट है, बट हमें टारगेट नहीं मिला और हमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और दूसरी चीज ये, अगर मैंने आप लोगों को बताया है पहले ही कि आपको बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो आप लोगों को निफ्टी भी देखना होगा, निफ्टी को सिंक करके निफ्टी को मिला करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग ट्रेड करते हैं कि जब निफ्टी सपोर्ट पे आ जाता है और उठने लगता है देन बैंक निफ्टी भी साथ साथ निफ्टी के पुल होने लगता है, ऊपर जाने लगता है। तो अगर आप सेल साइड में ट्रेड में होंगे और आपने निफ्टी को देखा होगा कि निफ्टी अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से मोमेंटम ऊपर तरफ आ सकता है, देन अगर आप सेलिंग में होंगे तो आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, ठीक है, ठीक है, टारगेट नहीं मिला बट यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और तो बैंक निफ्टी को आपको निफ्टी के साथ सिंक करके आपको ट्रेड करना है। निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस आता है या निफ्टी में सपोर्ट आता है तो जैसा निफ्टी बिहेव करेगा वैसा बैंक निफ्टी भी बिहेव करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है। तो दूसरी चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में और क्या क्या सेटअप आज बना था ट्रेड के लिए। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर सा दिख रहा है आप लोगों को, मैंने पहले बहुत बार बताया है कि अगर लेवल्स निकलता है एंड लेवल्स निकलने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है और उसका ब्रेकआउट होता है देन हमें बाइंग की पोजीशन दिखती है। ये देखिए बहुत ही इजी हमें डे हाई का टारगेट मिला है 107 पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड 2 से ऊपर ही है, थोड़ा 2 ही मान लीजिए। तो ऐसे ट्रेड होता है, आप लोग बताया मैंने ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है लेवल्स पे। और ये हो गया आज का। और अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग कल कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा लेवल्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का वर्क करेगा। अगर प्राइस यहाँ पर आता है दिन लोग वापस से बाइंग हम लोग देख सकते हैं। ये जो दोनों लेवल्स है इसमें अगर प्राइस रह गया तो कंसोलिडेशन हो सकता है, अगर प्राइस ऊपर निकलता है देन हम लोग वापस से इसको एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा ये, और फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा बाइंग के लिए। दूसरा चीज ये कि अगर प्राइस इसी रेंज में ओपन होता है देन ये सारा लेवल सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर आपको एंट्री देख करके अपने अच्छे से स्टॉप लॉस लगाना है, ज्यादा रिस्क का नहीं, और आपको बाइंग की तरफ यहाँ पे देखना
है, साथ में आपको निफ्टी भी देखना है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अलग रहा, उसमें मोमेंटम है बैंक निफ्टी में नहीं, तो आप लोग को वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे रेंज में आ चुका है। ये बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट ये 230 पॉइंट का रेंज है, तो इसमें अगर प्राइस रह गया तो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो इसमें आप लोग अवॉइड ही कीजिएगा ट्रेड करने का। ऐसे यहाँ पे मैंने बताया, तो अगर आप रिस्की ट्रेडर, आप रिस्क लेते हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी से आप यहाँ पे ट्रेड जा सकते हैं बाइंग के साइड, वो भी यहाँ पे इस लेवल का। कोई आपको यहाँ पे बाइंग का कुछ अच्छा सा दिखेगा, तो जैसे कि हैमर कैंडल दिख गया या इनगल्फिंग कैंडल दिख गया, उसके हाई पे आप ट्रेड कर सकते हैं छोटे से क्वांटिटी से। लेकिन ऐसे हम इसमें आपको बोलेंगे कि इसको रेंज को अवॉइड करें, या तो ऊपर ट्रेड करें या फिर नीचे ट्रेड करें, रेंज में ना फंसे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है, और गैप अगर होता है तो निफ्टी की तरह ही फॉलो करना है। रेंज अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है देन रिटेस्ट पे हमें ट्रेड करना है प्राइस एक्शन के साथ, और ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।